चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी टेन प्लस वन चैप्टर वन टॉपिक थ्री इमरजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ एंड होम्योस्टेसिस तो इसके आगे हमारे पास थ्री सब टॉपिक्स हैं फर्स्ट इज इमरजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सेकेंड इज होम्योस्टेसिस एंड थर्ड इज अडेप्शन सो फर्स्ट अब टॉपिक था इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ इसमें हमारा सिक्सथ डायग्राम था जिसमें एक सेल बताया गया है सेल के आगे क्रोमोजोम मेम्ब्रेन और सेल वॉल तीन पार्ट्स बताए गए हैं जिसमें क्रोमोजोम है वो डीएनए से बनता है और उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉस्पोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है फॉसपोलिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके बाद सेल्वोल जो सेलोज से बनती है उसका स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये था हमारा सिकस्थ डायग्राम जितने भी लिविंग फिनमिनाज हैं वो इंट्रैक्शनस के थ्रू होते हैं और टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज है वो कंस्टिट्यूट सेल्स में नहीं पाई जाती बल्कि वो कंस्टिट्यूट सेल्स में जो इंट्रैक्शनस होती है उनके रिज़ल्ट से अराइज होती है सिमिलरली सेलुलर ऑर्गेलिस जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेलिस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूट्स में नहीं पाई जाती बल्कि वो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स में जो इंट्रैक्शनस होती है उनकी रिज़ल्ट uh, से अराइज होती है तो यो आ, ये इंट्रेक्शन्स रिजल्ट से अराइज़ होती है इनको इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक होती है और ये जो फिनोमिना है वे ट्रू है सभी लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन हाइराकी लेवल हाइराकी ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लैक्सिटी एट ऑल लेवल्स पे ये जो फिनोमिना है वो ट्रू है और इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है सेल्फ रेगुलेटिंग है और उनका जो इंट्रैक्टिव सिस्टम है वो कैपेबल है किसी भी एक्सटर्नल स्टेमुलाई का रिस्पोंड करने के लिए सो so इसमें हमारा सेवन्थ डायग्राम है जिसमें सेल है एक सेल से टिश्यू बनते हैं टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है और ऑर्गेन सिस्टम से एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है सेकेंड सब टॉपिक है होम्योस्टेसिस इसके अकॉर्डिंग होम्योस्टेसिस जो है वो एबिलिटी है बॉडी की अपने आप को मेंटेन करने की स्टेबल करने की अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल uh, कंडीशंस में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके उसके बीच में वो अपनी जो बॉडी है उसको उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकती है स्टेबल कर सकती है सो so, इसमें हमारा एट्थ डायग्राम भी है जिसमें बताया गया है होम्योस्टेसिस जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं और सेम बोला गया है कि बॉडी की एबिलिटी की वो आपने इंटरनल uh, इन्वायरमेंट को चेंजेस uh, जो हो रहे हैं एक्सटर्नल कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग वो है अपने बॉडी uh, के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेनटेन कर सकती है स्टेबल कर सकती है और इसमें देखो जैसे बताया गया है एक्सप्रेशन ऑफ साल्ट आयंस लार्ज अमाउंट में जो सॉल्ट आइंस और वाटर है उसका क्या हो रहा है एक्सक्रीशन हो रहा है किसके फॉर्म में ड्यूल्यूट यूरिन के फॉर्म में और सॉल्ट आइंस और वाटर जो है गिल्स के थ्रू लिए जा रहे हैं आ, फिश में हो रहा है ये सब और जो है वो अपने मुंह से पानी और कुछ आइंस जो है फूड के तौर पे ले रही है जो स्टेबिलिटी और बैलेंस अटेन करती है बॉडी उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम और जो चेंजेस होते हैं बॉडी जब वर्क करती है मेंटेन करने के लिए रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंडीशंस को तब ये चेंजेस होते हैं और बॉडी जो है कंट्रोल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर ब्लड पीएच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में है उन सभी उन सभी वे से वो वर्क बॉडी वर्क करती है मेंटेन बॉडी वर्क करती है मिनट इसके बाद थर्ड सब टॉपिक है अडेप्शन इसमें एक फ्रॉक बताया गया है फ्रॉक के पावरफुल हिंडलिम्स हैं विद वेब टॉइस उसके बाद फिशिज़ है फिशिज जो है उनमें प्रेजेंस होती है गिल्स और फिंडस की आ, की वो पानी में जो स्विम कर सके कैक्टस जो है उसकी थिक क्यूटिकल और लीव स्पाइन होते हैं कि वो डेजर्ट्स में आ, रह सके और उसके बाद कैमल जो है उसकी लॉन्ग लेग्स होती है पैडिड फीट होती है लॉन्ग आइज़ होती है और कंसनट्रेशन यूनिट फॉर्मेशन होती है कि वो डेजर्ट में चल सके और वहां पे बिना पानी के जो है सरवाइव कर सके और जो बियर है वो उसमें प्रेजेंस होती है फर और हाइबरनेशन क्योंकि वो जो है ठंड में रहता है ये मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर फीचर है ऑर्गेनिजम्स का और इसेंशियल है फॉर सर्वाइवल रिप्रोडक्शन इट्स हैबिटेट